आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड। चिकन ब्रेड बनाने के लिए मैंने अपनी डो को तैयार करके रख लिया है। डो की रेसिपी मेरे चैनल पर दो जगह मौजूद है, अगर आपको देखना हो तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। दूसरे पैन को देगची को प्री हीट होने के लिए रेक स्टैंड रख के छोड़ दिया है। पहले हम अपने पैन में 2 टेबल स्पून मक्खन ऐड करेंगे। हमारा मक्खन अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। 1/4 कप मैदा ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से हमारा मैदा मक्खन में मिक्स हो गया है। इस स्टेज पर मैं इसे चूल्हे से उतार लूंगी। अब इसमें हम 1 कप दूध ऐड करेंगे, फ्रेश मिल्क लिया है मैंने, और इसे अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया है क्योंकि अगर चूल्हे में रख के इसको इसमें दूध ऐड किया जाए तो इसमें लम्स बन जाते हैं। इसके अब हम लम्स को अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, मैंने इसको इसके लम्स भी काफी हद तक डिसॉल्व कर लिए हैं। अब मैं इसे दोबारा से चूल्हे पर रखूंगी। जी व्यूअर्स, दोबारा से मैंने इसको चूल्हे पर रख लिया है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून दक्षिणी मिर्च और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स पुदीना मिर्च ऐड की। अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप पुदीना मिर्च को उसमें स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें सारे ग्रेविंग को डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम मैंने एक दरमियानी साइज की प्याज ली थी, इसको ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे हम इस सॉस में पका लेंगे। इसको फ्राई करके 2 मिनट हो गए हैं प्याज के साथ। अब इसमें हम मैंने एक दरमियानी साइज की शिमला मिर्च थी उसको कट कर लिया है, एक हरी मिर्च थी और 1 टेबल स्पून हरा धनिया लिया था। इन तमाम चीजों को इसमें हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1/2 kg मैंने बोनलेस चिकन ली थी, इसको बॉईल करके श्रेड करके रख लिया था। अब हम ये इसमें ऐड करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसको मैं चूल्हे से उतार कर थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि गरम गरम जो है डो में ऐड नहीं करते हैं, इससे डो के खराब होने का डर होता है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, अब मैं ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। पिज्जा पैन को भी मैंने ग्रीस कर एक साइड पे रख दिया है। मैं देखो अच्छी तरह से छिड़क दूंगी और इस पर डो को बेलेंगे। जी बस डो को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगी कि मैं 3 ब्रेड तैयार करूंगी। बस हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। जी बस इसको अब हम बेल लेंगे, लंबा लंबा इसको हम बेलेंगे। बस मैंने इसको बेल लिया है। मेरा ये जो बैटर था ये भी ठंडा हो गया है। अब हम इसको इसमें डो के अंदर अपने बैटर को रखेंगे और इसको हम शेप देंगे। जी व्यूअर्स, मैंने इस पे सेट कर दिया है। अब मैं इसके स्टेप्स कट कर लूंगी साइड से। ये एक एग लिया है, इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूंगी। इसमें मैं चिकन ब्रेड पे एंड में एग वॉश करूंगी। इसमें 2 टेबल स्पून दूध ऐड करूंगी। 2 टेबल स्पून मैंने मिक्स करेंगे और इस साइड पे रख देंगे। हम इसको शेप देना शुरू करेंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड से। इस तरीके से हम इसको पूरी ब्रेड को अपनी तैयार कर लेंगे। ये भी बस इस तरह हम इसको सेट कर लेंगे। इस हिस्से को हम काट के कट कर देंगे। रेडी है, इसके ऊपर अब हम एग वॉश करेंगे। जी व्यूअर्स, अच्छी तरह से हम एग मिल्क का जो मैंने अभी बनाया था इसको अच्छी तरह से हम चारों तरफ इसके लगा देंगे। मैंने इस पर एग वॉश कर दिया है। अब मैं इसे बेकिंग ट्रे में सेट कर 5 मिनट के लिए इसको हम राइज होने के लिए छोड़ देंगे। इस ट्रे में इसको हम राइज होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके ऊपर मैं ये कलौंजी थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दूँ। जी व्यूअर्स, इसको रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर ये व्हाइट तेल जो है सीसम सीड इसको स्प्रिंकल कर दूंगी और इसको बेक होने के लिए पैन में रख दूँ। इसी तरह से प्री हीट हो गया है, ये 10 मिनट हो चुके हैं प्री हीट होते हुए। अब मैं अपने डिश को इसमें ऐड कर दूंगी, रख दूंगी और इसका जो ढक्कन
रखना है इसको ढक के 40-45 मिनट्स के लिए। इसको हम दम आंच पर छोड़ेंगे। जी बस ये मैं दूसरी तैयार कर रही हूँ अपनी ब्रेड। जी बस ये दूसरी जो है दूसरा चिकन ब्रेड है मेरी हम तैयार कर रहे हैं। जी बस आप देख सकते हैं 35 मिनट्स के बाद मैंने इसको चूल्हे से चूल्हा बंद करके इसको निकाल लिया है। ये बहुत ही मजे की बनी है, देखने में अंदाजा हो रहा है कितनी अच्छी और टेस्टी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी जरूर करें और व्हाट्सएप में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सैमन रेसिपी।